हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलते हैं मैं पनीर की सब्जी बनाने। अभी मैं जा रही हूँ छोला पनीर की सब्जी बनाने। तो ये है मेरा छोला वाला चना और ये रही पनीर जो ये घर की बनी हुई है। और यहाँ हमने टमाटर को काट लिया है, इसको अभी पीसूंगी। ये है हमारा प्याज जिसको मैं सब्जी में रखने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं पहले टमाटर को पीस लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैं सबसे पहले छोला को उबलने के लिए डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें भी सीटी लगेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए पहले सबसे पहले इसको कुकर में डालकर उबाल ले रही हूँ। तो यहाँ मैं छोला को उबलने के लिए डाल दी हूँ और अब टमाटर को पीस ले रही हूँ। तो यहाँ मैं टमाटर को पीस ली हूँ। तो यहाँ मैं प्याज को काट ली हूँ। अब जा रही हूँ यहाँ लाइट में, और लाइट भी भाग गया। पांच छह सीटी दे दिया है, अब मैं इसको उतार दे रही हूँ। तो यहाँ मैं प्याज को बारीकी से काट ली हूँ। और टमाटर को भी पीस ली हूँ मिक्सी में। और पनीर को भी काट ली हूँ, पनीर थोड़ा बड़े पीसेज में ही काटी हूँ। और मैं अब इसको हल्का फ्राई करने वाली हूँ। तो चलिए फ्राई करते हैं इसको। तो यहाँ मैं डाल दी हूँ पैन में हल्का तेल। अब पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पनीर को फ्राई कर ली हूँ, इसको हल्का ही फ्राई की हूँ। तो चलिए अब सब्जी को बनाते हैं। पनीर से तेल बचा था उसको भी मैं डाल दी हूँ, और थोड़ा तेल इसमें डाल दी हूँ। अब डाल रही हूँ मैं इसमें तेज पत्ता, और यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा, तो जीरा और तेजपत्ता जब चटक गया है तो मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटी हुई प्याज जिसको मैं चॉप की हूँ। तो अब मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैं प्याज को भूनते टाइम ही थोड़ी सी नमक डाल दे रही हूँ ताकि मेरा प्याज अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं डाल रही हूँ एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी दो मिनट भून गया है तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटर को पीस कर। टमाटर भी मैं 3-4 मिनट भून ली हूँ। और अब डाल रही हूँ मसाले। तो इस मसाले में है एक चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार, और दो चम्मच धनिया पाउडर, जीरा और काली मिर्च का पाउडर। तो अब मैं इसको डाल दे रही हूँ। तो मैं मसाले पानी में पहले ही निकाल लेती हूँ ताकि भूनते टाइम मेरा मसाला नहीं जले।
तो यहाँ मैं मसाले में थोड़ा और नमक मिला दे रही हूँ और वहाँ मैं प्याज में भी थोड़ा नमक मिलाई हूँ। हाँ, मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है तो मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पहले गर्म पानी करके। और पहले मैं मसाला में अच्छी तरह से उबाल आने दूंगी, इससे मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इसी टाइम पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सब्जी मसाला। और इसको थोड़ी देर कवर करके छोड़ दे रही हूँ। तो यहाँ हमारा छोला भी अच्छी तरह से पक गया है और यहाँ मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है। तो अब इसमें डाल रही हूँ छोला। तो यहाँ मैं मसाले के साथ थोड़ा देर छोला को भून दी हूँ और अब इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैं पानी को इसमें गर्म करके ही डाली थी। तो अब मैं इसी टाइम पे डाल दे रही हूँ पनीर को भी। और उसके बाद मैं पैन को कवर कर दे रही हूँ और 10 मिनट तक मीडियम आंच पे इसको पकाऊंगी। तो अब यहाँ पे सब्जी में उबाल आ गया है तो इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये गर्म हो गया है तो मैं डाल रही हूँ उसमें 1 चम्मच घी। आप चाहें तो यहाँ पे तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें कटी हुई अदरक और लहसुन को भी मैं डाल दे रही हूँ। अभी तैयार हो गया है तो मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ और इसी टाइम पे मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा धनिया की पत्ती। तो अब मेरा छोला पनीर मसाला बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब छोला पनीर मसाला बनकर तैयार है दोस्तों। तो अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।